हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टेक्निकल बालाजी पे। तो आज हम सिम कार्ड के रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। सभी कंपनियों ने मिलके जो वैलिडिटी वाला रिचार्ज कर दिया है, जो पहले चल रहा था बिना वैलिडिटी के, ऐसे अब नहीं रहा है। तो आप सब ये सोचते होंगे कि हम MNP करवा लेंगे या फिर दूसरी कंपनी का सिम ले लेंगे। अगर आप ये सोचते हो तो ठहरो, पहले वीडियो देख लो। आपको दिक्कतें हो सकती है। अगर आप जानना चाहते हो क्या है प्रोसेस MNP करने में और नया सिम लेने में, पहले जैसा अब नहीं रहा है उसकी प्रोसेस भी अब लेंथी हो गई है, तो ये वीडियो को अंत तक देखें। बाद में आप सिम लेने के लिए जाए तो आपको वहाँ पे काम आएगा। तो पहले क्या था कि कोई भी कंपनी का सिम लेने आप जाओ, चाहे जियो, वोडाफोन हो, एयरटेल हो, आइडिया हो, सभी ने वैलिडिटी वाला ही रिचार्ज कर लिया। तो कोई भी सिम लेने पहले आप जाते थे तो अंगूठा लगाओ और आपका सिम चालू हो जाता था 2 मिनट में। अब ऐसा नहीं रहा है। अब आपको सिम लेना है या फिर MNP करवाना है तो आप पहले देख लो, पहले क्या करना पड़ेगा। आपको MNP करवाना है तो पहले तो पोर्टिंग कोड आपके नंबर में मंगवाना पड़ेगा, जो आपके नंबर में बैलेंस भी होना चाहिए इसके लिए। तो आप क्या करोगे, बैलेंस नहीं है तो बैलेंस डालना पड़ेगा, बाद में पोर्टिंग कोड लिखना पड़ेगा, PORT, बाद में एक जगह छोड़ के आपका नंबर लिखना पड़ेगा और 1900 पे उसको सेंड करना पड़ेगा। बाद में 1901 से एक OTP नंबर आएगा, जो लेके आपको दुकानदार के पास जाना है। वहाँ पे वो आपका OTP लेके आपका नंबर पोर्ट करेगा। पोर्ट करने में सबसे पहले पहले क्या था कि अंगूठा लगा के सीधा चालू हो जाता था, लेकिन अब ऐसा रहा नहीं है। नया सिम लेना हो या तो फिर पोर्टिंग करवाना हो, पहले आपको पोर्टिंग कोड देना पड़ेगा। बाद में दुकानदार पोर्टिंग कोड लेके दूसरी कंपनी का सिम में आपका पोर्टिंग कोड नंबर आपका पोर्ट करेगा। तो आपको आपका जो आधार कार्ड है या फिर लाइसेंस है, पहले सिर्फ आधार कार्ड से होता था, लाइसेंस हो या तो फिर चुटनी कार्ड हो, कोई भी चलेगा, कोई भी लेके चले जाना। उसका दुकानदार लाइव फोटो लेगा, उसके बाद आपका भी लाइव फोटो लेगा, जो बिल्कुल दोनों मैच होना चाहिए। आधार कार्ड में जो आपका फोटो है, जिससे आपका फोटो मैच हो, वही डॉक्यूमेंट आप लेके जाइए। बाद में आपके अल्टरनेट नंबर देना पड़ेगा, वो नंबर पे आपका OTP आएगा। OTP आप उसको दोगे तो OTP नंबर डालेगा, बाद में आपका सिम चालू होगा। तो बाद में चालू होने से पहले आपके नंबर में फिर से एक दूसरा OTP आएगा, जो 5 अंक का होगा। वो फिर से वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, जो पहले करवाना पड़ता था। तो ये सब आपको, यही प्रोसेस आपको गुजरना पड़ेगा, चाहे आप MNP करवाना चाहते हो, नया सिम लेना चाहते हो। सभी कंपनियों ने एक ही प्रोसेस कर दिया है। तो अब आप अपना अच्छा वाला डॉक्यूमेंट लेके जाना और ये वीडियो को देख लो क्या क्या प्रोसेस है। देखो, ये जियो का सिम है, वोडाफोन का है, एयरटेल है, आइडिया है, चाहे और दूसरी कोई भी कंपनी हो, सभी में एक ही प्रोसेस हो गई है। तो MNP करना, अगर आपको पुराना नंबर आपको चाहिए तो MNP करवाना पड़ेगा, लेकिन सभी कंपनी में वैलिडिटी वाला ही रिचार्ज है। BSNL को छोड़ के सभी कंपनियों ने यही कर दिया है। तो पहले देख लो, अगर आपको ये कंपनी अच्छी है तो आपको MNP करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर नहीं पसंद है अगर MNP करना है तो यही प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके रिलेटिव हम दूसरा वीडियो और भी लेके आएंगे। अगर आपको ये दूसरे वीडियो के लिए इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।